ओर्ट क्लाउड या फिर काइपर बेल्ट, सौरमंडल का वो हिस्सा जो सारे रहस्य को अपने आप में ही समेटे रखा है। इस अनंत ब्रह्मांड में ना जाने कितने प्रकार के ऐसे आकाश गंगाएं मौजूद हैं, उन आकाश गंगाओं में ना जाने कितने प्रकार के अनंत तारे मौजूद हैं। हर तारे की अपनी कहानी होती है और हर तारे की अपनी एक सौर कक्षा होती है। वो सौर कक्षा निश्चित रूप में रखे गए ग्रहों का स्वामित्व होता है। मेरा मतलब हर तारा अपने ग्रह का पीनल ग्लैंड होता है। इस कड़ी में हम जानेंगे कि ओर्ट क्लाउड क्या होता है, क्या सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँचती भी है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त फ्लाई कॉस्मोस, और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई और फ्रेश वीडियो में। जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं देखते हैं आपका भी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में हर तरह के कमरे होते हैं, जैसे बेडरूम, किचन, स्टोर रूम में हम सिर्फ और सिर्फ कबाड़ की चीज़ें रखते हैं, उसी प्रकार हर सोलर सिस्टम में, हर स्टार सिस्टम में एक स्टोर रूम होता है, जिसे हम ओर्ट क्लाउड या फिर काइपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। उस स्टोर रूम में भी हम सिर्फ और सिर्फ कबाड़ ही होता है मौजूद, जैसे ग्रहों का कबाड़, मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव वेरियंट्स, एस्ट्रॉयड, मीटियोराइट्स, कॉमेट, ड्वार्फ प्लैनेट्स, माइक्रो मिनी स्टार कोर। एक ऐसा कोर होता है, एक ऐसा स्टार का कोर जिसका अपर सेल और लोअर सेल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, ध्वस्त हो चुका होता है। इस कोर का साइज लगभग एक मच्छर के आकार से लेकर के प्लैनेट मरकरी तक सीमित होता है, जो कि अक्सर हर एक ओर्ट क्लाउड में पाया जाता है। हुआ क्या होगा ना कि जब हमारे आकाश गंगा का निर्माण हो रहा होगा, तब सारे तारे अपने सौर कक्ष का निर्माण करना आरंभ कर दिए होंगे। तो निर्माण प्रणाली में हमेशा 100% ऊर्जा कभी नहीं लगती, उससे हमेशा कम लगती है, और बची हुई ऊर्जा किसी और चीज में तब्दील हो जाती है। मैं समझाता हूँ। इतनी खुशी। सौर मंडल के निर्माण के होने के बाद बचा हुआ मलबा, जो बौने ग्रह का रूप ले लिया, कुछ पत्थरों का समूह जो कि एस्टेरॉयड और मीटियोराइट्स में कन्वर्ट हो गया, और ढेर सारे गैस के अंबार में बदल गया, मतलब गैसों का एक बहुत बड़ा गुब्बारा फैल गया आसमान में। आप रिलेट करना इस चीज को। जब भी कोई सौर मंडल का निर्माण होता है तो उस सौर मंडल में एक ओर्ट क्लाउड नामक जगह बाद में बन जाती है ड्यू टू टर्बुलेंस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये जो ओर्ट क्लाउड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नज़दीक होता है, एक दूसरे सोलर सिस्टम से ज़्यादा कनेक्टेड होता है यहाँ, क्योंकि ओर्ट क्लाउड से पहुँचने पर हम दूसरे सोलर सिस्टम में काफ़ी जल्दी तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। लेकिन अगर हम वहाँ तक पहुँचने में संभव हुए तो पहले ये जान लेते हैं कि अब वाकई में सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँचती भी है या नहीं। इसे जानने से पहले एक चीज़ को समझो, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड पर पहुँचती है, ठीक उसी प्रकार सन रेज बाकी सब प्लैनेट पे पहुँचती हैं डिफरेंट टाइमलाइन पे। पहले तुम ये टाइमलाइन देख लो। प्लूटो से सन के डिस्टेंस अप्रॉक्स 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 1495.97871 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर लो, मैथ तो आता है ना? नहीं। तो चलो मैं ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 40 × 1495.97871 किलोमीटर इज इक्वल टू 5983914840 किलोमीटर। अब देखते हैं ओर्ट क्लाउड कितना दूर है सन से, तो उसका भी डिस्टेंस लगभग सेम ही है, लगभग उससे ज़्यादा 10 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज़्यादा है, उसका है 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैसे तो ओर्ट क्लाउड हमारे एस्टेरॉयड फील्ड, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्रेजेंस का ऑब्जेक्ट फील्ड है, उससे 20 गुना ज़्यादा वाइड है और 200 गुना ज़्यादा मैसिव है। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कब से कि यार ये काइपर बेल्ट का आखिरकार फॉर्मेशन कब हुआ था और कैसे हुआ था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब यूनिवर्स अपना फॉर्मेशन कर रहा था तब सारी चीजें पूरी तरीके से इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। मतलब ये है, ऊर्जा का सिंपल नियम है कि 100% एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब, ये थर्मोडायनेमिक्स के नियम पे आधारित है। चलो मैं इसे एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, जो कि क्लास 11th में है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप लोगों ने इस चीज़ की पढ़ाई की है इस चैप्टर की, तो आप काफ़ी समझ में आएगा। मैं इसका कुछ यूज़ लूँगा जो कि क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आता है। तो स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी ये होता है कि कोई भी अगर हम काम करते हैं और वो यूज़फुल होता है, हमारे लिए यूज़फुल होता है और पॉजिटिव होता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इसमें डेल्टा जी आता है, डेल्टा जी को हम गिव फ्री एनर्जी कहते हैं, जो कि होता है कंडीशन है कि डेल्टा जी शुड बी द लेस देन जीरो एंड डेल्टा जी इज द माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। और इसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वो आता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर द
W is the work done, Q is the charge and delta V is the potential difference. ये फिगर देखो ध्यान से, एक एनोड है, एक कैथोड है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो दो जो तुम ये जो तुम जो दो रॉड देख रहे हो ना, ये एनोड है, कैथोड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड है। ध्यान से देखना, Q का जो वैल्यू आता है n into F है, जहाँ n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड f इज द फराडे, 1 फराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लगभग लगभग इसका वैल्यू आता है 96,500 कूलम। और फाइनली इक्वेशन इक्वलाइज होता है डेल्टा g इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ ई सेल, जहाँ पे n है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, f है तुम्हारा वही फराडे, और ई सेल है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। यहाँ भी कंडीशन है ये है कि ई सेल should be greater than zero, then it will be the spontaneous। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको spontaneous का ज्ञान देने से था, मतलब समझाने से था। अब आप समझ गए होंगे case of a spontaneous क्या होता है। relate कर पाए क्या? अभी भी relate नहीं कर पाए? चलो यार मैं आसान भाषा में तुमको समझाता हूँ। आसान भाषा में ये है कि सौर मंडल का जब निर्माण हो रहा था तो सारे ग्रह आपस में ही टकरा रहे थे सर्वाइव करने के लिए, और जो मतलब इस टक्कर में सर्वाइव कर गया वो सर्वाइव कर गया, और जो नहीं किया वो धीरे 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 सौर मंडल के आखिरी छोर में जाने लगा। ड्यू टू हैवी टर्बुलेंस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएटेड बाय सन एंड रेस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स, आफ्टर दैट आवर सोलर सिस्टम इज द वेरी टू क्रिएट बीइंग एंड लाइफ, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ ओल्ड क्लाउड और काइपर बेल्ट। समझ गए ना? हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि क्या सूरज की रोशनी काइपर बेल्ट तक पहुँचती है या नहीं? तो हाँ, आंसर हाँ पहुँचती है, क्योंकि जब प्लूटो तक रोशनी पहुंच सकती है तो काइपर बेल्ट तक भी पहुंच सकती है। मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना था इस वीडियो से कि काइपर बेल्ट का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ था। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे सीरीज़ बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को नए हो तो। और चलो मिलता हूँ आप सबसे।